दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं हूं रुपेंद्र और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। दीपावली के दूसरे दिन मान्यता के मुताबिक गोवर्धन पूजा का चलन पुरातन काल से चला आ रहा है। गोवर्धन पूजन मारवाड़ी लोग सुबह के वक्त करते हैं तो यूपी और बिहार की संस्कृति के अनुसार शाम के वक्त गोवर्धन की पूजा की जाती है। मारवाड़ी महिलाएं घरों के बाहर एकत्र होकर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। गोबर से बनाए गए गोवर्धन को खील पतासों से सजाया जाता है। इसके बाद विभिन्न पकवानों का भोग लगाकर पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार पुरातन काल से इस त्योहार को मनाने की प्रचलित कथा का वर्णन भी महिलाएं करती हैं, जिसके मुताबिक द्वापर में भगवान इंद्र ने गोकुल धाम पर अतिवृष्टि कर सारे ग्वाल बालों को अपने कोप का शिकार बनाना चाहा, तब भगवान कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्वाल बालों की रक्षा की और इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया। तब से ही ब्रजवासी गोवर्धन पूजन करते आ रहे हैं। पूजन के पश्चात छोटे अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, वहीं महिलाएं आपस में गले लगकर एक दूसरे को बधाइयां देती हैं। इस मौके पर महिलाएं भगवान के निमित्त बधावे भी गाती हैं। गोवर्धन का गोबर दो दिन पहले इकट्ठा करते हैं और इसको हम औरते बनाते हैं। आदमी पूछते हैं, हम ग्वाले, हमारी परंपरा है ये, और ये गोवर्धन बाबा ने हमारी रक्षा करी है, इसलिए हम इसको पूजते हैं। गोबर से बनाते हैं, गोबर दो दिन पहले इकट्ठा करते हैं और हमारे गोवर्धन पर्वत है इसलिए गोवर्धन बड़ा बनाते हैं और गोवर्धन पर्वत की तरह ही बनाते हैं इसको। इसमें जो भी हमारे पूरी बिरादरी की आती है, वैसे अब जो भी है जो आ जाती है, 15-20 मिनट तो लगती है। फिर अब आदमी आएंगे, वो पूजा करेंगे और आदमी ही परिक्रमा लगा के पूछते हैं। ये गोवर्धन जब तक नहीं थिपेगा, नहीं उठेगा, जब तक हमारे कोई शादी ब्याह नहीं होंगे। गोबर से बनाते हैं, गोवर्धन ही बनाते हैं और गुजरी है, इसमें सभी बनाते हैं। गुजरी है, ग्वाले हैं, छाछ वाली, दूध वाली सभी बनती है इसके अंदर। सभी सबकी रक्षा करी है भगवान ने, तो सभी इसके नीचे हैं पूरे गोप ग्वाले। ये पूजा दीपावली के दूसरे दिन सुबह करी जाती है। जो दीपावली पे जो भी सामान, मिठाई, खील वगैरह सब, गन्ना सब चढ़ाते हैं, उस सुबह वो गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। उससे गोबर लाते, गोवर्धन जी बनाते हैं, फिर उसके सब औरतें मिलके गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, गन्ने को माला पहनाते हैं और सब चीज़ें चढ़ा के गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। और ये यही गोवर्धन जी का महत्व है कि सब मिलजुल के करें पूजा, इसी से ही सब है। और ये गोवर्धन जी की पूजा दीपावली के दूसरे दिन की जाती है। यह त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन सुबह गोबर ला के और फिर इसका बनाया जाता है गोवर्धन जी। फिर उससे जो दिवाली पर अपन मिठाई, फूल वगैरह सब चीज़ लाते हैं, तो उससे इसकी पूजा की जाती है। इसका बहुत महत्व है और ये परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। इसमें सब मिलजुल कर पूजते हैं ताकि आपस में प्रेम भाव भी बना रहे और इसकी पूजा से मतलब बड़ा शांति और हाँ सब लोग इकट्ठी रहती हैं, बाकी बहुत कुछ जाहिर करती हैं, तब सब मिलके गोबर से बनाती हैं। उसके बाद सारे पूजन सामग्री जो रात में काम में ली जाती है वही उसी से पूजा जाता है और उसके बाद अपने परिवार की कामना के लिए बनाया। गोवर्धन पूजन के पश्चात घरों में अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। परंपरा के मुताबिक सर्दी के आगमन पर पैदा होने वाले पहले धान और फसलों सहित सब्जियों को भगवान के निमित्त अर्पित करते हुए पचकोटे का प्रसाद निर्मित किया जाता है और शाम को पूजा अर्चना के बाद इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। ऐसा है, ये पूजा हमारी गोवर्धन बाबा की पर्वत था, पर्वत के अंदर बहुत मुंह फटा हुआ था, इसमें जानवर सब इंसान सब चले जाते थे। अब उसने कृष्ण भगवान ने पानी का प्रवास करा और वो पानी का प्रवास से अंदर धस गए हम, और लकड़ियाँ सब के हाथ में थी, सब लकड़ियाँ ऊंची कर दी और वो कर दी, उसका मुंह वैसे के वैसे गोवर्धन भावा का वैसे के वैसे ही रह गया। से गोवर्धन बनाया जाता है और ये दिवाली के दूसरे दिन इसको बनाते हैं। और ये क्या है कि इंद्र भगवान के प्रकोप से जब ग्वाल वालों की रक्षा हुई थी उसके कारण ये इसको पूजन किया जाता है। उसकी उन्होंने गिराज पर्वत को ऊपर हाथ में उठा लिया था और इसकी खीर पूड़ी से और उनसे धूप ध्यान से पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं।